हालेलुया, परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की माद में जाने से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा है तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की हजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। वचन देहधारी हुआ, जैसा कि यूहन्ना एक उसकी एक और दो में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज के दिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, जिनके द्वारा हमने पापों की क्षमा पाई, उद्धार पाया और हम अपने श्रापों से छूटकर अनंत जीवन के अधिकारी हुए। बाइबल में यूहन्ना की किताब में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। मेरे प्रियो, वचन का मतलब है प्रभु यीशु मसीह, यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे और मेरे और आपके उद्धार के लिए वह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती में आए, चरनी में पैदा हुए, मनुष्य जाति के बीच में वास किया और फिर पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाकर खुद को उस क्रूस पर कुर्बान कर दिया, ताकि अब जो कोई यह विश्वास करे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो वह अपने पापों से छूटकर उद्धार पाए। आज कुछ लोग कहते हैं कि हमने कौन सा पाप किया, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपनी समानता में बनाया था और उनको पूरी पृथ्वी पर अधिकार दिया था। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो उनके जीवन में मौत आई और वह मौत का श्राप उनके वंशों पर, यानी पूरी मानव जाति पर आ गया, और पूरी मानव जाति को उस मौत के श्राप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह उस मौत के श्राप से आजाद होकर अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। यशाया भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगभग 700 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और वह उसका नाम इमैनुएल रखेगी। परमेश्वर पहले से ही सोच चुका था कि इस जगत को पापों से छुड़ाने के लिए मैं अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजूंगा। इसीलिए आज जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो वह आपके पापों को खत्म करके, परमेश्वर से आपका मेल करके उस दूरी को खत्म करता है जो आदम और हवा के पाप के कारण मनुष्य जाति और परमेश्वर के बीच में आई थी और हमारा मेल परमेश्वर से करवाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, ताकि वह आपको पापों से, बीमारी से और गरीबी के श्रापों से छुड़ाकर अनंत जीवन का वारिस ठहराए। आमीन।